नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल हैंड एजुकेशन में स्वागत है। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के इस टॉपिक पर, जो डाइट के माध्यम से डीएलएड प्रशिक्षण में ऑनलाइन आवेदन से संबंधित है। जी हां दोस्तों, डाइट में डीएलएड प्रशिक्षण के लिए आज से ऑनलाइन शुरू। 50% अंकों से इंटर पास होने वाले अभ्यर्थी कर सकेंगे आवेदन, साथ ही मेधा सूची के आधार पर होगा नामांकन। आइए जानते हैं खबर विस्तार से। जिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में डीएलएड प्रशिक्षण के लिए आज से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है। इसमें 50% से अधिक अंकों से इंटर पास होने वाले आवेदन कर सकेंगे। आवेदन के बाद मेधा सूची का प्रकाशन होगा, जिसके आधार पर नामांकन किया जाएगा। 2 वर्षीय डीएलएड प्रशिक्षण कोर्स में दाखिले के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इस बार सत्र 2019-21 में होने वाली डीएलएड नामांकन प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से होगी। शुल्क भी ऑनलाइन माध्यम ही जमा किए जाएंगे। शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों के प्रधानों को इस संबंध में SCERT ने गाइडलाइन जारी किया है, जिसमें सभी प्रशिक्षण महाविद्यालयों को अपने यहाँ स्वीकृत सीटों पर नामांकन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। नामांकन शुल्क ₹100 प्रति निर्धारित किए गए हैं। जिले के डाइट में 200 सीटों के लिए नामांकन किया जाएगा, जिसमें 100 सीट पुरुष के लिए तथा 100 सीट महिला अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित किए गए हैं। वहीं 16 मई तक डीएलएड में नामांकन के लिए आवेदन किया जा सकता है। 30 मई को मेधा सूची प्रकाशन की जाएगी और 6 जून को मेधा सूची के आधार पर आपत्ति करने का समय निर्धारित किया गया है। साथ ही 19 जून से प्रथम सूची के छात्रों का नामांकन भी लिया जाएगा। तो दोस्तों, इस टॉपिक पर इतना ही। इससे संबंधित तमाम अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।